गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी सेकंड ईयर के पहले पेपर प्लांट टैक्सोनॉमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में द्विनाम प्रतिति भी कहते हैं। हमें पता है कि हर पौधे को कॉमन नेम भी होता है और उसका एक साइंटिफिक या बोटैनिकल नेम भी होता है। कॉमन नेम जो है या वर्नैकुलर नेम जो हम आम भाषा में किसी भी पौधे को हम जिस नाम से बुलाते हैं उसको उसका कॉमन नेम या उसका वर्नैकुलर नेम कह सकते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में गुलाब रोज़ा को हम लोग गुलाब की तरह से गुलाब बुलाते हैं, इसी तरह से कनेर है उसका नाम नीरियम है, बोटैनिकल नेम नीरियम है। हर एक प्लांट का कॉमन नेम भी होता है और उसका एक साइंटिफिक नेम होता है। जो साइंटिफिक नेम होता है वो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर पद्धति के इस्तेमाल के द्वारा उसका नाम किया जाता है। अब हमें साइंटिफिक नेम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि कॉमन नेम में हम लोग हर भाषा में उस पौधे का नाम अलग होगा। अगर हम लोग उदाहरण लें तो अगर हम राइस का या पैडी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो जैसे मैं अभी इस एग्जाम्पल में आपको दिखा रही हूँ, तमिल में इसको नेलू या संस्कृत में व्रेही, हिंदी में धान, तेलुगु में वाडलू, गुजराती में डंगर, इस तरह से है, इसके अलग अलग नाम हैं। तो ये एक कंफ्यूजिंग सी स्थिति पैदा हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है कि कई बारी एक ही नाम दो अलग अलग स्पीशीज़ के लिए या एक ही नाम अलग अलग स्पीशीज़ इंटरनेशनली भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ब्राह्मी शब्द का इस्तेमाल सेंट्रला एशियाटिका के लिए भी किया जाता है और टैक्सिस बकेटा के लिए भी किया जाता है। इसी तरह से बटर फ्रूट जो है वो डायोस्पोरस डिसकलर के लिए भी इस्तेमाल होता है और पर्सिया अमेरिकाना के लिए। तो ये कॉमन नेम जो है वो कई बार बहुत अधिक कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। इसके लिए एक सर्वमान या यूनिवर्सल नाम होना बहुत ज़रूरी है। और ये यूनिवर्सल नेम क्या होता है, ये बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर की जो टेक्निक है उसके द्वारा प्लांट्स का बोटैनिकल या साइंटिफिक नेम दिया जाता है। अगर हम लोग बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर की बात करें तो ये बात आप लोगों को सबको पता है कि ये कैरलस लीनियस को हम लोग इसका श्रेय देते हैं, पर हमें इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो है वो कैरलस लीनियस ने 1751 में इसका इस्तेमाल शुरू किया और इससे करीब 100 साल पहले 1623 में एक साइंटिस्ट थे गैस्पर्ड बोहिन ने अपनी एक पुस्तक पिनैक्स में इस पद्धति का उपयोग किया था और उन्होंने ही द्विनाम पद्धति को स्टार्ट किया था। पर नॉर्मली हम लोग इसको कैरलस लीनियस को देते हैं इसका श्रेय, क्योंकि उनकी जो पुस्तकें थी जनरा प्लांटेरम या स्पीशीज प्लांटेरम, उसमें इन्होंने इसी पद्धति का इस्तेमाल किया था। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, इसमें हमें पता है कि एक जो साइंटिफिक नेम जो होता है उसमें हर एक प्लांट का दो नाम होते हैं, दो वर्ड से बने हुए होते हैं। पहला उसका जेनरिक नेम होता है और दूसरा उसका स्पेसिफिक नेम होता है। जो जेनरिक नेम होता है वो हम लोग पहले लिखते हैं और वो कैपिटल से लिखा जाता है। स्पेसिफिक नेम जो होता है वो बाद में आता है और वो छोटे अक्षरों से लिखा जाता है। इसके अलावा हमें पता है कि ये बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में जो हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो या तो ग्रीक होती है या लैटिन होती है। और ये लैटिन या ग्रीक भाषा, ये जो लैटिन भाषा, अगर वो लैटिन में नहीं है तो उस शब्द को लैटिनाइज्ड किया जाता है। और अगली बात ये है कि अगर इसको हम लोग इटैलिसाइज्ड, मतलब कि जहाँ पर भी बोटैनिकल नेम होगा वो इटैलिक्स में लिखा जाता है, और नहीं तो अगर आप खुद अपने हाथों से उसका नाम लिख रहे हैं तो उसको आपको अंडरलाइन करना ज़रूरी होता है। अब बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के एडवांटेज क्या होते हैं? पहला सबसे इम्पॉर्टेंट जो एडवांटेज है कि ये यूनिवर्सल नेम होते हैं। यूनिवर्सल का मतलब कि पूरे विश्व में, अगर हम लोग कोई साइंटिफिक लिटरेचर की बात कर रहे हैं या अगर हम किसी रोज़ा इंडिका की बात अगर हम अमेरिका में करें या अमेरिका के अलावा हम इंग्लैंड में करें, स्पेन में करें, अफ्रीका में करें, इंडिया में करें, कहीं पर भी, तो रोज़ा इंडिका का मतलब रोज़ा इंडिका ही होगा, वो रोज़ की स्पीशीज से कंसर्न होगा।
इसी तरह से ब्रैसिका कंप्रेस्टिस है तो हम मस्टर्ड की बात कर रहे हैं, तो वो एक सर्वमान यूनिवर्सल नेम होता है जो कि हर जगह पे वही होगा अगर हम बोटैनिकली, अगर हम साइंटिफिकली इसकी बात करें। दूसरा कि ये नाम बहुत प्रसाइस होते हैं क्योंकि लैटिन भाषा बहुत प्रसाइस होती है, बहुत मीनिंगफुल होती है, और ये इंटरनेशनली इसको हम यूज़ करते हैं और इसकी मदद से, और ये काफ़ी मतलब मीनिंगफुल इसमें होते हैं, प्रसाइज भी होते हैं, डेफिनेट भी होते हैं नाम, और इसकी मदद से प्लांट्स में के हम लोग रिलेशनशिप्स भी हैं वो भी निकाल सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, हम लोग बात कर रहे थे बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर की, इसको मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो है वो द्विनाम पद्धति है, लीनियस द्वारा 1751 में इसका विधिवत रूप से इसको यूज़ करना शुरू कर दिया गया था, इसीलिए उसका श्रेय लीनियस को दिया जाता है। वैसे जैसे मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले इसका इस्तेमाल गैस्पर्ड बोहिन ने पिनैक्स नामक अपनी पुस्तक में 1623 में किया था। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में के अनुसार हर एक प्लांट के दो नाम होंगे, पहला नाम जेनरिक, दूसरा स्पेसिफिक। जेनरिक को हम लोगों ने कैपिटल से लिखना है, स्पेसिफिक को हम लोगों ने छोटे से लिखना है, और ये शब्द जो होते हैं ये इटैलिसाइज्ड होते हैं, और अगर इटैलिसाइज्ड नहीं है, अगर आप इसको खुद लिख रहे हैं तो आपको इसको अंडरलाइन करना है। तो आज के इस लेक्चर में यही हम अभी हम ये रूल्स की बात कर रहे हैं, कल हम लोग और जो रूल्स हैं बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर के उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।